हेलो एवरीवन, अ ब्यूटीफुल गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम पूजा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज नया मंथ स्टार्ट हो रहा है, तो नए मंथ से हम कुछ नए करेंट अफेयर्स को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 1 अगस्त के सभी इंपॉर्टेंट इवेंट्स, सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स को आज हमें डिस्कस करना है विथ लॉट्स ऑफ MCQ। एंड वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डेज। इंपॉर्टेंट डेज के बाद कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, उनको देखेंगे। अपॉइंटमेंट्स के बाद नेशनल इवेंट्स है और स्टेट न्यूज है, और उसके बाद RBI की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, तो RBI की रिपोर्ट्स के भी की हाइलाइट्स को हम यहां पर कवर करेंगे। तो काफी कुछ नया सीखने को मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसके अलावा एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, आज से हम इवनिंग में कंपाइलेशन भी स्टार्ट करेंगे। 8 PM पर हम अपने कंपाइलेशन को लेकर आएंगे, जिसमें हम जुलाई मंथ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हुई हो, इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है, इंटरनेशनल न्यूज़ है, इंडेक्सेस है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो ऐसे 4-5 टॉपिक को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। सो 8 PM से आपके जुलाई मंथ के कंपाइलेशन स्टार्ट हो रहे हैं, और डेफिनेटली मैं यहाँ पे टॉप 150 MCQ भी डिस्कस करूँगी आप लोगों के साथ जुलाई मंथ के। तो धीरे धीरे हम 8 PM पर इन सभी वीडियोस को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट डे। तो आज 1 अगस्त है और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड लंग्स कैंसर डे। तो लंग्स कैंसर के बारे में लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए सिंस 2012 से वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जा रहा है, जिसकी थीम क्या है, तो आप देख सकते हैं थीम है क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू द कैंसर केयर। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा आप देखेंगे ये जो अगस्त मंथ का फर्स्ट वीक होता है, 1 से लेकर 7 अगस्त, इसमें एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ये आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। WHO और यूनिसेफ इसको सपोर्ट करता है कि माँ का दूध बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है, तो लोगों को अवेयरनेस दिलाने के लिए WHO और यूनिसेफ का कम्बाइंड इनिशिएटिव और कई सारी मिनिस्ट्रीज का भी इन्वॉल्वमेंट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है, जिसकी थीम क्या है, क्लोजिंग द गैप, क्लोजिंग द गैप, ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। तो आज हम इन दोनों इंपॉर्टेंट डेज को डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, और सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो न्यूज़ में है, इनका नाम आपको किसी सेट में मिल सकता है, क्योंकि मनोज सोनी जी ने रेजिग्नेशन दे दिया, जबकि मनोज सोनी जी का टेन्योर अभी ख़त्म नहीं हुआ था। तो यहाँ पर नया अपॉइंटमेंट हुआ है UPSC के चेयरमैन का। तो UPSC के न्यू चेयरमैन अपॉइंट हुई है प्रीति सूदन। प्रीति सूदन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ UPSC आफ्टर मनोज सोनी रेजिग्नेशन। मनोज सोनी जी ने रिजाइन किया, उसके बाद प्रीति सूदन जी को अपॉइंट किया गया है। अपॉइंटमेंट कौन करेगा इनका, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगी। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू ने रिसेंटली प्रीति सूदन, जो कि फॉर्मर यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी रही हैं, इन्हें न्यू चेयरमैन बनाया है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब UPSC का, ठीक है। ये सेकेंड वीमेन है, ये सेकेंड महिला है जो UPSC के चेयरमैन बन रही हैं। पहली फीमेल जो UPSC की चेयरमैन रही हैं, उनका नाम है RM वेथ्यू, 1992 to 1996, ठीक है। तो ये सेकेंड नंबर की फीमेल है जो UPSC की चेयरमैन की पोजीशन को होल्ड कर रही हैं। UPSC के जो भी चेयरमैन होते हैं, उनका टेन्योर 6 ईयर का होता है, 6 साल का, या फिर 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए, विच एवर इज अर्लियर, ये आपका टेन्योर देखने को मिलता है, 6 साल या 65 साल। अब याद ये रखना है कि जो UPSC के चेयरमैन होते हैं, उनकी नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, और प्रेसिडेंट को ही अपना रेजिग्नेशन भी देते हैं। तो अपना इस्तीफा किसको देंगे, प्रेसिडेंट को ही देंगे। दे कैन रिजाइन फ्रॉम देयर पोस्ट बाय सबमिटिंग देयर रेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट इसके अलावा रिमूव भी कर सकते हैं, हटा भी सकते हैं चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द UPSC को, लेकिन इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट लगती है, और सुप्रीम कोर्ट अगर उनको गिल्टी पाती है मिसबिहेव के कारण, या फिर कह सकते हो कि कुछ मेंटल प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, तो उस केस में जब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आती है, उसके बाद प्रेसिडेंट चेयरमैन और मेंबर ऑफ UPSC को हटा भी सकते हैं, ठीक है। अगर आप UPSC के बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आपको आर्टिकल नंबर 315 से लेकर 323 तक देखना पड़ेगा। हमारे संविधान के आर्टिकल 315 से लेकर 323 तक आपको UPSC के सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है।
अब बात करते हैं कमीशन के बारे में जिसका नाम है ली कमीशन। कौन सा कमीशन है ये? ली कमीशन। तो ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद यूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ था। कब हुआ था? 1 अक्टूबर को 1926 में, 1926 में यूपीएससी का फॉर्मेशन हुआ था ली कमीशन के रिकमेंडेशन के बाद। और यूपीएससी के पहले चेयरमैन कौन थे? तो आंसर हो जाएगा सर रॉस बार्कर। आपको पहले चेयरमैन देखने को मिल जाएंगे यूपीएससी के। डन। चलिए अब बात करते हैं एसीसी, मतलब एशियन क्रिकेट काउंसिल। एशियन क्रिकेट काउंसिल जिसका फॉर्मेशन है, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर इंडिया है, 1983 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, अभी फिलहाल आपने देखा होगा कि जो एशियन क्रिकेट काउंसिल है उसके प्रेसिडेंट कौन है? तो आंसर हो जाएगा जय शाह है। जय शाह जो कि बीसीसीआई के भी सेक्रेटरी हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो प्रेसिडेंसी है वो रोटेटिंग बेसिस पे जाती है, चलती है। और यहाँ पर जो अपकमिंग प्रेसिडेंट होंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के, उनका नाम अनाउंस किया गया है। और नाम क्या है? मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं। अभी फिलहाल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, और इनका नाम अनाउंस किया गया है कि ये नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस साल के अंत तक, लेटर दिस ईयर एज पर इट्स रोटेशन पॉलिसी। अभी कौन है प्रेसिडेंट? तो आंसर हो जाएगा अभी जय शाह आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे। और कुछ दिन पहले ही एसीसी ने अनाउंस किया है, क्या अनाउंसमेंट किया है? अपकमिंग एशिया कप के बारे में। तो 2025 के 2025 के एशिया कप कहां पर होंगे? तो आंसर हो जाएगा यहां पे जो होस्टिंग राइट दिए गए हैं वो इंडिया को दिए गए हैं, और इंडिया एशिया कप 2025 को होस्ट करेगा इन द T20 फॉर्मेट। सिमिलर यहाँ पे 2027, 2027 का जो एशिया कप है उसके होस्टिंग राइट दिए गए हैं बांग्लादेश को, एंड बांग्लादेश इसको होस्ट करेगा ODI फॉर्मेट में। ठीक है, ये अनाउंसमेंट रिसेंटली किया है और हमने डेली करंट अफेयर्स में डिस्कशन किया था, तो ये दोनों एक्स्ट्रा पॉइंट है, इनको भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स इन न्यू दिल्ली। यहाँ पर देखिएगा काफ़ी लंबे समय के बाद, मतलब 66 ईयर के गैप के बाद, 66 साल के अंतर के बाद, अब 32वें नंबर की इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट कहाँ पर होगी? न्यू दिल्ली में होगी, मतलब इंडिया इसको होस्ट करेगा 2nd अगस्त से लेकर 7th अगस्त के बीच में 2024 में। ठीक है, यहाँ पर 1958 में, इंडिया में 1958 में लास्ट टाइम कॉन्फ्रेंस हुई थी, और अब 32 सालों के बाद इंडिया इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहा है। कहाँ पर? पूसा इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में। इंडिया विल होस्टिंग दिस प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस अगेन विच इज होस्टेड इन 1958 लास्ट टाइम। ठीक है, ये जो कॉन्फ्रेंस है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर इकोनॉमी, ये 3 साल में होती है, एवरी 3 ईयर्स में इसका कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाता है, जिसकी थीम क्या है? तो थीम देखेंगे आप, ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन टूवर्ड्स ए सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम, इसके आपको थीम देखने को मिल जाएगी। अब इसको ऑर्गेनाइज कौन करेगा? तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं हमारे देश के जो मिलके इसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, जैसे कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च। ये सभी मिलके 32वें नंबर के इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं इसमें होता क्या है। जैसा कि लिखा है कि ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है किस पर? एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट। तो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो भी इकोनॉमिस्ट है, जो भी स्कॉलर्स है, वो सभी इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, और वर्ल्ड एग्रीकल्चर के जो भी इश्यूज है उस पर डिस्कशन करने का काम, पॉलिसी मेकिंग करने का काम करते हैं। इंडिया ने लास्ट टाइम 10th नंबर की कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था 1958 में मैसूर में, और अब 66 साल के बाद इंडिया वापस से न्यू दिल्ली में इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट करने जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं फर्स्ट कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हुई थी 1929 में। अब इसके अलावा यहां पर देखेंगे CBSE ने एक और नया इनिशिएटिव लिया है, सफल टेस्ट साइकिल 2024। और ये इनिशिएटिव किसका है? CBSE का है। क्या है सफल, जरा हम देख लेते हैं। यहाँ पर जो आपका आजकल आप देखते हो कि किसी के 9 पॉइंटर है, 10 पॉइंटर है, मतलब आजकल स्कोर बहुत ज़्यादा हो जाता है क्योंकि आप रट के पास हो रहे हैं, आपके पास एक करिकुलम होता है जनरली।
ये ट्रुथ है ना, इसमें किसी को बुरा मानने वाली बात नहीं है, ये ट्रुथ है। एक करिकुलम होता है, एक प्रॉपर पैटर्न होता है, कितने एमसीक्यू आएंगे, इतने क्वेश्चन होंगे, और टीचर्स भी जनरली क्वेश्चन बता देते हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आजकल जो आप स्कोर देख रहे हो बच्चों का होता है ना 9.6, 9.7, 9.8, क्योंकि आप रट कर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली जाओ, अगर उनसे आप बेसिक बातें भी पूछो, बच्चों से नॉर्मल साइंस की बातें पूछ लो, नॉर्मल मैथ्स के कैलकुलेशन सॉल्व करा लो, क्या वो कैलकुलेशन सॉल्व कर पाते हैं? आंसर है नो, आंसर है नो, ठीक है। और इसके अलावा परसेंटेज का जो एक्स्ट्रा प्रेशर होता है सोसाइटी का, क्योंकि आजकल जज कैसे किया जाता है? परसेंटेज के हिसाब से। अगर किसी बच्चे के परसेंटेज 60% है तो उसको बोलेंगे अरे यार, या 50% है, अरे तुम्हें तो जॉब नहीं मिलेगी, तुम तो गधे हो। भले हो सकता है उसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, उससे भी ज़्यादा नॉलेज जिसके 90% आए हैं। तो यहाँ पर जो एक मेंटल प्रेशर है, एक सोसाइटी का प्रेशर है परसेंटेज का, और जो बच्चों पर भी पढ़ाई का स्ट्रेस है, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, बर्डन को थोड़ा सा कम करने के लिए इस प्रोग्राम को सीबीएसई ने लॉन्च किया है। तो सीबीएसई लॉन्च सफल टेस्ट साइकिल 2024 विथ अ प्लान टू रिड्यूस एग्जाम स्ट्रेस। अब सफल का मीनिंग क्या है? तो सफल का फुल फॉर्म है स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। ये सफल का फुल फॉर्म है जिसमें आपके क्लास 5 और क्लास 8 के जो स्टूडेंट हैं उनको कोर कॉन्सेप्ट पे बेसिकली उनकी टेस्टिंग की जाएगी, ना कि आपके जो रट्टाफिकेशन होता है ना, रटने का जो लर्निंग है उस पर नहीं, आपका जो नॉलेज है बेसिक, आपका कोर नॉलेज है, कितना आप सोच पाते हो, आपकी लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, उसके हिसाब से आपका असेसमेंट किया जाएगा, जिसके लिए कोई एडिशनल क्लासेस या कोई एडिशनल प्रिपरेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, बेसिक बातें होंगी। इट अलाइन विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 टू रिड्यूस एग्जाम फियर। It started with 80 school in 2022 and expanded to 1887 school in 2023. अब CBSE का प्लान है कि इसे हमें अपनी कंट्री के 11,000 स्कूल्स में इंक्लूड करें और लगभग 10 लाख स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करें 2024 में। इम्प्लीमेंटेशन सफल का कैसे होगा? तो सफल विल टेस्ट साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज इन 75 मिनट फॉर क्लास 5 स्टूडेंट एंड 90 मिनट का टेस्ट होगा फॉर द क्लास 8 स्टूडेंट के लिए, साइंस, मैथ्स और बेसिक लैंग्वेज लर्निंग। असेसमेंट का लेवल क्या है? तो असेसमेंट के 4 लेवल्स हैं, बिलो बेसिक 2 ग्रेड लोअर स्किल, मतलब अगर आप 5th क्लास पे हो तो 3rd क्लास का असेसमेंट हो रहा है, बेसिक 1 ग्रेड लोअर स्किल 4th क्लास का असेसमेंट हो रहा है, फिर है आपका करेंट ग्रेड स्किल, मतलब आपके 5th क्लास का स्केलिंग हो रही है, और अगर आप बहुत इंटेलिजेंट हैं तो आप 6th क्लास में भी किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, इस तरीके से असेसमेंट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ योर टेस्ट साइंस, मैथ्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। इसमें अगर स्कोरिंग की बात करते हैं तो स्कोरिंग कोई परसेंटेज वाइज नहीं होगी, डिफ़िकल्टी लेवल वाइज होगी, आप कितने अबव हैं, कितने लोअर हैं, स्केलिंग में कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस तरीके से स्कोर कार्ड जनरेट होगा, ना कि परसेंटेज वाइज यहाँ पर स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होगा। फर्दर यहाँ पे सीबीएसई का प्लान है कि 29,000 स्कूल्स में हम इसको एक्सपांड करेंगे। इसका मकसद क्या है? मकसद केवल इतना ही है कि जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो रिमूव किया जाए बच्चों से, एंड आइडेंटिफाई लर्निंग गैप एंड द प्लान टारगेटेड इंटरवेंशन। तो लर्निंग गैप जो है, आप यहाँ पे जो चीज़ें रट रहे हैं बिना समझे हुए, तो ये जो लर्निंग गैप है इसको फुलफिल किया जाए। एंड नो एडिशनल क्लासेज और स्पेशल प्रिपरेशन आर रिक्वायर्ड फॉर स्टूडेंट टू टेक सफल। पर्पस सिंपल सी बात है, यहाँ पे थिंकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना, बच्चों की थिंकिंग स्किल्स को अपलिफ्ट करना है, और बेसिक जनरल जो चीज़ें होती वही इस टेस्ट में पूछी जाएंगी। अब यहाँ पे इंडिया को एक और यहाँ पे को चेयरमैन मिली है, देख लेते हैं। इंडिया इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ सप्लाई चेन काउंसिल ऑफ IPEF। याद कीजिए कुछ दिन पहले हमने करेंट अफेयर्स में डिस्कस किया था, इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी की मीटिंग सिंगापुर में हुई थी, याद कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो मीटिंग है ना, इसने 3 इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन या 3 इम्पॉर्टेंट कमिटीज को सेटअप किया है, और उन्हीं 3 इम्पॉर्टेंट कमिटीज में से एक कमिटी का को चेयर बनाया गया है इंडिया को, हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड एज द वाइस चेयर ऑफ वन ऑफ द 3 सप्लाई चेन बॉडीज सेट अप अंडर द इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी एग्रीमेंट। तो यहाँ पे जो सप्लाई चेन कमिटी है उसका वाइस चेयर इंडिया को बनाया गया है,
ठीक है, तो ये जो 14 मेंबर की बॉडी है, 14 मेंबर का ग्रुप है IPEF, जिसको इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी हम बोल रहे हैं। इन्होंने तीन कमेटी बनाई है, कौन कौन सी? पहली कमेटी बनाई है क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क, सेकेंड सप्लाई चेन काउंसिल, थर्ड लेबर राइट्स एडवाइजरी बोर्ड। ये तीन कमिटीज हैं और इसमें सप्लाई चेन काउंसिल का वाइस चेयरमैन बनाया गया है इंडिया को। तो चेयरमैन कौन है? वन सेकेंड, चेयरमैन कौन है? आंसर है USA। यू कैन सी ये तीन कमिटीज हैं, तीनों कमिटी में पहला सप्लाई चेन काउंसिल, इसका चेयरमैन है USA और वाइस चेयर कौन है? इंडिया है। फिर क्राइसिस रिस्पॉन्स नेटवर्क चेयर कर रहा है साउथ कोरिया, वाइस चेयरमैन है जापान, ठीक है। फिर है लेबर राइट एडवाइजरी बोर्ड, चेयर कर रहा है USA और वाइस चेयर कौन है? यहाँ पर फिजी है। तो इस तरीके से तीन कमेटी और तीनों कमेटी के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं, ठीक है। ये जो सप्लाई चेन रेजिलेंस एग्रीमेंट है या सप्लाई चेन काउंसिल है, ये फोर्स में कब आई? तो फरवरी 2024 में फोर्स में आई है। तो सप्लाई चेन क्या होती है? सिंपल सी बात है, हमारे प्रोडक्ट डिलीवर हो जाए, गुड्स को डिलीवर कर दिया जाए जहां पे डेस्टिनेशन तक पहुंचाना है, और इसके लिए एक सप्लाई चेन की रिक्वायरमेंट होती है। अ सप्लाई चेन रिफर टू द एंटायर सिस्टम ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड डिलीवरिंग अ प्रोडक्ट और सर्विस, ठीक है। आपका सोर्स जहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, फिर आपका प्रोडक्शन हुआ और कंज्यूमर तक वो चीज़ पहुँच गई, ठीक है। इसको एग्जीक्यूट करने के लिए यहाँ पर जो डिलीवरी की रिक्वायरमेंट है एंड यूज़र तक, इसको ही सप्लाई चेन कहा जाता है। इसको सेटअप करने का पर्पस यही है कि अगर कोई डिस्ट्रप्शन होता है, ठीक है, कोई डिस्टर्बशन होता है, कोई अगर नेचुरल कैलिबिटीज़ हो गई हैं या फिर कोई डिज़ास्टर है, पैंडमिक आ गया है, तो आपकी सप्लाई चेन डिस्टर्ब ना हो। और यहाँ पर चाइना पे डिपेंडेंसी हमें कम करनी और अपना खुद का सेल्फ सफिशिएंट, मतलब ये 14 मेंबर नेशन अपना खुद की एक सप्लाई चेन डेवलप करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे इस कमेटी का फॉर्मेशन किया, जिसका वाइस चेयर इंडिया को बना दिया गया, चेयरमैन बन गया USA, ठीक है। अब थोड़ी सी बातें कर लेते हैं अबाउट द IPEF, इंडो पैसिफिक इकोनॉमी फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। ये एक इनिशिएटिव है और इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया था अमेरिका के एक्स कह सकते हो प्रेसिडेंट, क्योंकि अब इलेक्शन हो रहे हैं, जो बाइडन। इन्होंने 2022 में इसको इनिशिएट किया था, 2022 में टोक्यो जापान में। इसका पर्पस क्या है? इकोनॉमी स्टेबिलिटी है, रीजनल कॉरपोरेशन है और ग्रोथ है एडवांसिंग कंट्रीज का। इसके फोर इंपॉर्टेंट पिलर्स आपको देखने को मिलेंगे। पहला पिलर क्या है? फेयर एंड रेजिलिएंट ट्रेड। सेकेंड पिलर है सप्लाई चेन। थर्ड पिलर है इंफ्रास्ट्रक्चर, डीकार्बोनाइजेशन एंड क्लीन एनर्जी। एंड फोर्थ है टैक्स एंड एंटी करप्शन। तो इंडिया ने सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो पिलर्स हैं वो तो ठीक है, लेकिन इंडिया ने अभी तक पिलर नंबर वन जो है उसको यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया है, और ऑब्जर्वर स्टेटस पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी 14 कंट्रीज कौन कौन सी हैं जिसने IPEF को फॉर्म किया है? तो 14 कंट्रीज में एक तो इंडिया है, इंडिया के अलावा जापान, ऑस्ट्रेलिया, बुर्नोई, फिजी, इंडोनेशिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और USA है। अब इसमें अगर USA, ऑस्ट्रेलिया, जापान और इंडिया, ये चारों क्या हैं? ये चारों आपकी क्वाड कंट्री हैं। और मैंने कल के करेंट अफेयर्स में सिखाया था कि 2024 की जो क्वाड की मीटिंग होगी उसको इंडिया होस्ट कर रहा है। 2024 में जो क्वाड की मीटिंग होगी उसको होस्ट कौन कर रहा है? इंडिया होस्ट कर रहा है, ये बात भी हमने डिस्कस की थी, ठीक है। इतनी चीजें, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब उत्तर प्रदेश असेंबली ने एक बिल पास किया है, यूपी असेंबली पास्ड अमेंडमेंट एंटी कन्वर्जन बिल। एंटी कन्वर्जन बिल, अगर किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली उसका धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो यहाँ पे क्या सजा होगी, किस तरीके से पनिशमेंट होगी, वो बिल यहाँ पे पास किया गया है। उत्तर प्रदेश असेंबली पास द यूपी प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन अमेंडमेंट बिल 2024 दैट इन्हांस पनिशमेंट फॉर द फोर्स कन्वर्जन। यहाँ पे अगर फोर्सफुली किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाता है तो उसका पनिशमेंट के जो प्रोविजंस हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। कितना बढ़ा दिया गया है? तो यहाँ पे बोला गया है कि ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकता है, मतलब उम्र कैद की सजा और 5,00,000 रुपए तक का फाइन। द पनिशमेंट फॉर मैरिंग अ वीमेन बाय डिसाइविंग हर और कन्वर्टिंग हर, अगर आप यहाँ पे फोर्सफुली किसी महिला के साथ शादी करते हैं या उसको आप झांसे में लेकर शादी करते हैं, धोखा देके शादी करते हैं और उसका फिर बाद में धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो इसमें आपको
10 ईयर का इम्प्रिजनमेंट, जेल और 50,000 रुपये का फाइन है। ठीक है, अब यहाँ पे इस बिल ने क्या किया, ये जो पनिशमेंट है उसको बढ़ाकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया है। इसमें जो पनिशमेंट थी उसको बढ़ाकर कितना कर दिया, लाइफ इम्प्रिजनमेंट कर दिया, 10 साल से बढ़ाकर 20 साल या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। फाइन 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। बात समझ में आ रही। अब इस एक्ट के अंदर जो भी क्राइम्स होते हैं वो नॉन बेलेबल होते हैं, इसमें बेल के कोई भी प्रोविजंस नहीं है। इफ एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी ऑफ दिस ऑफेंस देयर इज अ प्रोविजन ऑफ 20 ईयर इम्प्रिजनमेंट और द लाइफ इम्प्रिजनमेंट। इसमें इन्वॉल्व क्या क्या है, अटैक करना, प्रॉमिस करना किसी लेडी से शादी करने का, शादी करके उसका धर्म परिवर्तन कराना, ट्रैफिकिंग करना ह्यूमन की, उसके बाद उनको फोर्सफुली कन्वर्जन कराना, ये सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इंडियन आर्मी लॉन्च ई सेहत टेली कंसल्टेंसी फॉर वेटनर्स। यहाँ पर जो आर्मी पर्सनल या डिफेंस पर्सनल है, एक्स सर्विसमैन है, अब एक्स सर्विसमैन ने रिटायर हो चुके हैं, अब उनके कई सारे हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो डॉक्टर्स के साथ हेल्थ प्रॉब्लम घर पर ही डिस्कस करने के लिए ऑनलाइन आपके पास डिलीवरी हो, इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है जिसका नाम है ई सेहत। ठीक है, तो एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम हैज लॉन्च द ई सेहत मॉड्यूल, जिसमें जो वेटनर्स हैं उनको रिसीव होगी ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन फ्रॉम होम। ठीक है, जिसमें आपको वीडियो कॉलिंग फैसिलिटी होगी, हेल्थ केयर डिलीवरी होगी, आपको क्वालिटी मेडिकल हेल्थ केयर प्रोवाइड किया जाएगा और आपको कई सारे डॉक्टर असिस्ट करेंगे अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है। इस तरीके से ऑनलाइन ई सेहत मॉड्यूल को रेडी किया गया है। किसने रेडी किया है, एक सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंदर इसको रेडी किया गया है और इंडियन आर्मी के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब इसको फेज्ड मैनर पर लॉन्च किया जाएगा। ठीक है, पहला जो फेज मैनर है इसमें 12 क्लिनिक्स ओपन किए गए हैं। पायलट फेज पे ई सेहत के अंदर आपको 12 एक्स सर्विस कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम पॉलिस आपकी पॉली क्लिनिक्स ओपन किए गए हैं। कितने, 12, और ये 12 कहाँ पर है, तो आपको मिले जाएंगे कहाँ पे, बारामूला, इम्फाल, इसके अलावा आपको यहाँ पे चूर चंद्रपुर एंड दीमापुर और आइजोल में ये क्लिनिक्स मिलेंगे। नवंबर 2024 को इसको पूरे इंडिया में रोल आउट कर दिया जाएगा। अभी फेज्ड मैनर पे 12 अवेलेबल है। चलिए, एक और इनिशिएटिव यहाँ पे भूपेंद्र यादव जी के द्वारा लॉन्च किया गया है। क्या है वो इनिशिएटिव, आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव। आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव जो वर्क करेगा 8 थीम्स पर, 8 थीम्स, सेव वाटर, सेव एनर्जी, रिड्यूस वेस्ट, रिड्यूस ई वेस्ट, से नो टू द सिंगल यूज प्लास्टिक, एडॉप्ट सस्टेनेबल एंड फूड सिस्टम, एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। ये 8 थीम्स हैं जिसपे आइडिया फॉर लाइफ पोर्टल काम करेगा और इसको लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव जी ने विद द हेल्प ऑफ IIT दिल्ली। सो यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव लॉन्च द आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव एट IIT दिल्ली टू इन्वाइट इनोवेटिव आइडियाज इन 8 फील्ड्स में। इनोवेटिव आइडियाज अगर आपके पास है तो उनको इन्वाइट किया गया है कि आप अपने आइडियाज दीजिए, जिससे रिसर्चर्स, यूथ, फैकल्टी, स्टूडेंट, उन सबको इनकरेज कर सके कि किस तरीके से आपको एक फ्रेंडली लाइफ स्टाइल और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर काम करना, और इस फील्ड में अगर इस फील्ड की जो भी प्रॉब्लम्स है इसके अंदर आपके पास अगर कोई इनोवेटिव आइडिया है तो उन आइडियाज को इन्वाइट किया गया है अंडर द आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव। क्लियर हुआ? ठीक है, सपोर्टेड बाय द इंस्टीट्यूशन लाइक UGC, UNICEF, द इनिशिएटिव एम टू फॉस्टर अ ग्लोबल मूवमेंट फॉर एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि हमें अपने रिसोर्सेज को वाइजली यूज करना है, इसलिए यहाँ पे रिसर्चर्स, स्टूडेंट, टीचर्स और इनोवेटर्स को बुलाया गया है अपने आइडियाज को शेयर करने के लिए। ठीक है, डन। नेक्स्ट, BFI मतलब बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया सेट अप द नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी इन द कोलैबोरेशन विद CAA। यहां पर देखिएगा, पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करके एक एकेडमी को ओपन करने जा रहा है। ठीक है, तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया हैज सेट अप नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी विद कोलैबोरेशन ऑफ
कॉर्बस अमेरिकन एकेडमी इन मुंबई। तो मुंबई और पुणे से कुछ दूरी पर एक जगह है कर्जत, में भी नाम सुना होगा आपने, वहां पर इस एकेडमी को सेटअप किया जाएगा। स्टार्टिंग में पूरे मतलब एक नेशनल लेवल पे हंट प्रोग्राम चलेगा, पूरे इंडिया से 30 बॉयज एंड 30 गर्ल्स को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है, और जिस एकेडमी में इनरोल होंगे। फॉर द स्टार्ट एकेडमी विल रन विथ 30 बॉयज एंड 30 गर्ल्स फ्रॉम द स्कूल। There will be a nationwide hunt for talent to select 30 boys and 30 girls for the academy. और यहाँ पे जो foreign coach और different Indian coach हैं वो इन basketball player को guide करेंगे, उन्हें सिखाएंगे, जिससे वो national level और international level पे India को represent कर पाएँ। क्लियर है? तो इस तरीके से एकेडमी रन होगी। द पार्टनर इंस्टीट्यूट विल प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव एकेडमिक प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, स्पोर्ट काउंसलिंग, ट्रेनिंग एंड एक्सेस टू द वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर द ट्रेनीज, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा द प्लेयर इन द एकेडमी विल बी फ्री टू रिप्रेजेंट देयर स्टेट इन द स्टेट एंड नेशनल चैम्पियनशिप। कहाँ पर? मुंबई और पुणे से 95 किलोमीटर के डिस्टेंस पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। कॉर्बस अमेरिकन इंस्टीट्यूट ने कहा है इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल रेसिडेंशियल स्कूल है फॉर स्टूडेंट एथलीट्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे फ्यूचर में 6 to 12 क्लास के बच्चों के लिए करिकुलम भी डिज़ाइन किया जाएगा। और क्या बोला गया है? और ये बोला गया है कि यहाँ पर बहुत जल्दी फॉरेन कोच, वन इंडियन कोच, वीमेन कोच एकेडमी में अपॉइंट किए जाएंगे, ठीक है। डन इतनी चीज़ें। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्निंग बॉडी है जो कि हमारी कंट्री में बास्केटबॉल को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो आधव अर्जुना आपको प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के। डन। चलिए, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट हैं मुझे पता है जो बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं एसएससी के साथ, तो उनके लिए एक छोटी सी अपडेट है। आज 1 अगस्त है और आज से आपके आईबीपीएस पीओ के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। 1 अगस्त से 21 अगस्त तक आपके फॉर्म फिलिंग होने हैं। प्रिलिम का एग्ज़ाम आपके अक्टूबर में होगा एंड देन अगर आप मेंस देखोगे तो नवंबर मंथ में आपके मेंस एग्ज़ाम होंगे और जनवरी फरवरी मंथ में आपका इंटरव्यू होगा। तो अगर जो लोग भी इंटरेस्टेड है बैंकिंग एग्जामिनेशन में, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ग्रेजुएट हैं किसी भी फील्ड से, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो बिल्कुल आप इजीली इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। आईबीपीएस पीओ और आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेंस एग्जाम में, क्योंकि आपका यहाँ पे एग्जाम जो होंगे उसमें आपके जनरल अवेयरनेस का पोर्शन भी आएगा। अब जनरल अवेयरनेस कैसी आती है बैंक में, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कितना पढ़ना है, कैसा पढ़ना है, कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, कौन सा एरिया स्किप करना है, क्योंकि हम तो नॉर्मल करेंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं जो आपके स्टेट एग्जाम में भी आएंगे, यूपीएससी में भी आएंगे, बैंकिंग और एसएससी में भी आएंगे, लेकिन कौन सी चीज़ें हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमें पता चलता है पीवाईक्यू से। कहाँ से पता चलेगा? पीवाईक्यू से। तो विथ इन अ वीक, इस हफ्ते में मैं पिछले 5 साल के जो भी पीवाईक्यूज है आपके आईबीपीएस एग्जाम के, अलग अलग जो आपका आईबीपीएस पेपर हुआ है 5 सालों में, उसमें जनरल अवेयरनेस के जो भी क्वेश्चन आए हैं वो उसको मैं कंपाइल कर रही हूँ, इस हफ्ते मैं उसको लॉन्च कर दूंगी, तो आपको एक आइडिया हो जाएगा तो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कैसे आते हैं। इसके अलावा साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड पॉलिटी, इन चारों सब्जेक्ट के पिछले 5-5 साल के इन सभी एग्जाम को कवर करते हुए पीवाईक्यू अवेलेबल है, एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप एप्लीकेशन से इनको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप क्या कीजिएगा, प्ले स्टोर पे जाना, पूजा जैन क्लासेस मेरा एप्लीकेशन का नाम है, सर्च करना, उसको डाउनलोड कर लेना, इंस्टॉल कर लेना, और वहाँ पर ये सारे प्रोडक्ट होंगे। और वहाँ पर आपको जो फ्री वाला सेक्शन होता है वहाँ पर आपको डेली करेंट अफेयर्स, वीकली करेंट अफेयर्स की पीडीएफ भी मिल जाती हैं, बजट भी अवेलेबल है, इकोनॉमी सर्वे के हाईलाइट भी अवेलेबल है, आप इनको भी इजिली डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। डन। इसके अलावा फर्दर कोई डाउट है तो ये टेलीग्राम है भाई, पूजा जैन CA247, यहाँ से कनेक्ट होके कोई क्वेश्चन अगर आपका है पूछ सकते हो, और डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम पे भी अवेलेबल होती है तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए अब आ जाते हैं हम यहाँ पर आरबीआई की रिपोर्ट पर। रिपोर्ट का टाइटल क्या है? रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस 23-24। तो रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, इस रिपोर्ट को रिसेंटली आरबीआई ने रिलीज किया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है।
इस रिपोर्ट में बताया है कि इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी लगातार ग्रो हो रही है, इंडिया का ई कॉमर्स सेक्टर इंक्रीज हो रहा है, हमारे देश में जो नंबर ऑफ यूजर्स है मोबाइल फोन के वो भी इंक्रीज हो रहे हैं, अर्बन एरिया में भी और रूरल एरिया में भी। यही सारी बातें इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कही हैं। क्या बोला है, सबसे पहले इन्होंने कहा है कि डिजिटल इकोनॉमी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारे GDP में वो 10% है, लेकिन वो डबल होकर 20% हो जाएगा 2026 तक। ये बात इस रिपोर्ट में मेंशन की गई है। इंडियाज डिजिटल इकोनॉमी सेट टू कॉन्स्टिट्यूट 20% ऑफ द कंट्रीज GDP बाय द 2026, डबलिंग इट्स करेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 10%। तो अगर पूछ लिया जाए बताइए इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी कितने समय में डबल हो जाएगी, तो 2026 में 20% हो जाएगी 10% से हमारे GDP का, अकॉर्डिंग टू द RBI करेंसी एंड फाइनेंस रिपोर्ट। ये एक एनुअल पब्लिकेशन है, हर साल RBI इसको रिलीज करता है, ठीक है। इसमें इंडियन इकोनॉमी और फाइनेंशियल सिस्टम के वेरियस एस्पेक्ट्स को बताया जाता है। थीम क्या है रिपोर्ट की, तो आप देखेंगे इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन, रिपोर्ट इज इंडियाज डिजिटल रिवॉल्यूशन, ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। चलिए अब बात करते हैं कुछ और की फैक्टर के बारे में। तो इन्होंने कहा है कि लगातार एक्सपांशन हो रहा है फाइनेंशियल सर्विस का इंडिया में। देखिए हमारे बजट के हाईलाइट्स में भी हमने देखा था कि यहाँ पर सिडबी और हमारा जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है वो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में 100 ब्रांचेस ओपन करेगा, जिससे फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ सके। तो लगातार इंडिया में फाइनेंशियल सर्विसेज बढ़ते जा रही है, हर एक जगह पे आपको देखने को मिलती है डिजिटल फैसिलिटी और आपके बैंकिंग सर्विसेज। तो डिजिटल इकोनॉमी इससे इम्प्रूव हो रही है। यहाँ पे इन्होंने तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कहे हैं। पहला पॉइंट ये कहा है, द प्रोग्रेस ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया इज एविडेंट इन द RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। RBI एक इंडेक्स पब्लिश करता है जिसका नाम है RBI फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, मतलब पिछले साल में हमारे देश में कितना नया बैंक का ब्रांच ओपन हुआ है और कितना फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है। तो ये इंडेक्स अपने आप शो करता है कि हमारे देश में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा है, क्योंकि इसमें बताया गया था मार्च 2024 में हमारी कंट्री में अकॉर्डिंग टू द RBI जो फाइनेंशियल इंक्लूजन था वो कितना था, 64.2 था। वही मार्च 2023 में ये 60.1 था, मतलब फाइनेंशियल इंक्लूजन हमारी कंट्री में बढ़ रहा है। सेकंड बात करते हैं, सेकंड बोला है कि रूरल इंडिया में 46% पॉपुलेशन जो है उसके पास वायरलेस फोन है, ठीक है, मतलब आपके स्मार्टफोन आप कह सकते हो कि 46% ऑफ द पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ वायरलेस फोन सब्सक्राइबर्स एंड 54% आर एक्टिव इंटरनेट यूजर। 54% रूरल इंडिया के जो पर्सन है, गांव के जो लोग हैं, वो एक्टिव हैं, इंटरनेट यूजर हैं। तीसरी बात यहां पे क्या कही गई है, तीसरी बात यहां पे फिनटेक के बारे में कहा गया है। Given that more than half of the fintech consumer are from the semi-urban and the rural India, इसमें बोला है कि half percent of the population जो कि fintech को use कर रही है, financial technology को use कर रही है, वो semi-urban और urban area में है, and more than a third of digital payment user are from the rural area। मतलब आपके 1/3 यहाँ पे जो डिजिटल पेमेंट होती हैं कि Flipkart से कुछ ऑर्डर कर लिया, Amazon से ऑर्डर कर लिया, वो आपको रूरल इंडिया में देखने को मिल रही हैं। और क्या कहा गया, 2 लाख ग्राम पंचायत है हमारे देश में जो कि प्रॉपरली कनेक्टेड है भारत नेट से। मतलब भारत नेट से कनेक्ट होने का मतलब है कि इन ग्राम पंचायत में कंप्यूटर है, इन ग्राम पंचायत में सारी चीज़ें डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड हो रही हैं, ये जो ग्राम पंचायत है उनके पास वाईफाई कनेक्टिविटी है। मतलब ये ग्राम पंचायत ई हेल्थ, ई एजुकेशन और ई गवर्नेंस पे काम कर रही है रूरल एरिया में। तो 2 लाख आपके पास ऐसी ग्राम पंचायत है जो भारत नेट के साथ कनेक्टेड है। ना बात की गई है मोबाइल पेनेट्रेशन, वो तो इंक्रीज होता जा रहा है, आजकल हर एक व्यक्ति के पास 1, 2, 3 मोबाइल फोन्स भी है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इंटरनेट पेनेट्रेशन इंडिया में इंक्रीज हो रहा है, ये 55% था इन 2023 और अब ये लगातार इंक्रीज होके इसमें जो नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज हो गए वो 199 मिलियंस यूजर इंक्रीज हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में 1 GB की कॉस्ट क्या है। तो इंडियाज कॉस्ट पर गीगाबाइट 1 GB डेटा को कंज्यूम करने के जो कॉस्टिंग है वो 13.32 रुपीज़ है। 13.32 रुपीज़ पर GB कॉस्टिंग है इंडिया में, जो कि पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है, जो कि पूरे वर्ल्ड में इंटरनेट एक्सेस करने की जो चार्जेस है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे कम है। 1 GB की कॉस्टिंग 13.32 पर GB आपको देखने को मिल जाएगी। अब एक एवरेज कंजप्शन, एक आदमी एक दिन में कितने GB का डेटा यूज़ कर रहा है, ठीक है,
तो अगर बात कर लेते हैं पर मंथ के बारे में बात हो रही है, एक महीने में हम कितना GB डेटा एक्सेस कर रहे हैं, तो इंडिया ऑल्सो हैव वन ऑफ द हाइएस्ट मोबाइल डेटा कंजप्शन इन द वर्ल्ड। एक एवरेज यूज़र हर मंथ 24.1 GB डेटा को यूज़ कर रहा है। कितना? 24.1 GB एक महीने में पर यूज़र एक्सेस कर रहा है अकॉर्डिंग टू द RBI डेटा। ठीक है, देयर आर अबाउट 750 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र विच इज़ एक्सपेक्टेड टू रीच अबाउट 1 बिलियन बाय द 2026। अभी हमारे देश में 750 मिलियन स्मार्टफोन यूज़र हैं और ये 1 बिलियन हो जाएंगे 2026 तक, ये बात कही गई है। और इंडिया इज़ एक्सपेक्टेड टू द सेकेंड लार्जेस्ट स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्मार्टफोन का मैन्युफैक्चर इंडिया हो जाएगा आने वाले 5 सालों में, ये बात भी RBI ने अपनी रिपोर्ट में कही है। यहाँ पर ये जो चार्ट दिख रहा है वो दिखा रहा है है कि जैसे कि यहां पर इंडिकेटर्स ये शो करते हैं कि कितने यूजर्स हैं आपकी टोटल पॉपुलेशन के जो UPI यूज कर रहे हैं, कितने यूजर हैं जो इंटरनेट का सब्सक्रिप्शन लेके रखा है, कितने यूजर हैं जो सोशल मीडिया यूजर्स हैं, स्मार्टफोन यूजर्स हैं, वो सारा डेटा आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि 424 करोड़ लोगों के बारे में बात हो रही है UPI यूज कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये आपका स्मार्टफोन यूजर है और ये आपकी टोटल पॉपुलेशन है। ठीक है, ये टोटल पॉपुलेशन है और इतने लोग UPI यूज़ कर रहे हैं, इतने लोग स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हैं। अब इतना डेटा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो समझाने के लिए चार्ट है। बाकी कुछ जो हाइलाइट्स मैंने बताए हैं कि पर मंथ का कंजप्शन कितना है, हमारी कंट्री में पर GB के चार्जेस कितने हैं, इसके अलावा इंडिया की GDP ग्लोबल GDP या फिर डिजिटल इकोनॉमी का कॉन्ट्रीब्यूशन GDP में क्या है, तो ये कुछ बातें आपको याद रखनी है आने वाले एग्जाम के लिए। चलिए, और क्या बोला गया है इन्होंने, डिजिटल इकोनॉमी पे तो डिस्कशन हमने कर ही लिया है। डिजिटल इकोनॉमी करेंटली अकाउंट फॉर 10% ऑफ इंडिया GDP एंड 2026 तक ये फिगर डबल होकर 20% हो जाएगा। फिर यहाँ पे कुछ और की कंपोनेंट के बारे में बात की गई कि हमारे देश में जब हम डिजिटल इकोनॉमी पे बात करते तो हमने आधार को लॉन्च करके रखा है, हमारे पास UPI है, UPI के अलावा डिजी लॉकर भी सर्विसेज हमारे पास है। तो यहाँ पे बोला गया है कि ये जो सर्विसेज हैं ये हमारे डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को और हमारी जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको इम्प्रूव करती हैं। डिजी लॉकर क्या होता है, तो ये क्लाउड बेस्ड स्टोरेज है जिसमें आप अपने सारे डॉक्यूमेंट को डिजिटल फॉर्म में स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि पिछले कुछ समय में हमने अलग अलग कंट्री के भी जो फास्ट इंटरनेट प्रोवाइडर है उनके साथ एग्रीमेंट साइन किया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इंटरलिंकिंग ऑफ द UPI विद द फास्ट पेमेंट सर्विस ऑफ अदर नेशन, जैसे कि सिंगापुर के पेनाओ के साथ हमने इंटीग्रेशन किया है, इंटरलिंकिंग किया है। फिर UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के इंस्टेंट पे प्लेटफॉर्म के साथ हमने इंटरलिंकिंग किया है अपने UPI का। फिर हमने अपने UPI का इंटरलिंकिंग नेपाल के नेशनल पेमेंट इंटरफेस के साथ भी किया है। तो ये सारी बातें RBI ने अपनी रिपोर्ट में कही हैं। चलिए, आज की लास्ट न्यूज़ हम बात करेंगे, श्रीराम ग्रुप गेट्स RBI अप्रूवल टू एंटर असेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस। फाइनली RBI ने, एक्चुअली इन्होंने नवंबर 2023 में एप्लीकेशन दी थी एंड फाइनली RBI ने इनको अप्रूवल दे दिया है कि आप FY25 का मतलब अभी जो फाइनेंशियल ईयर आपका चल रहा है 2024-2025 में, आप यहाँ पे असेट रिकंस्ट्रक्शन जो कंपनी है या उसके बिजनेस में आ सकते हो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ गिवन द चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड श्रीराम ग्रुप परमिशन टू एंटर द असेट रिकंस्ट्रक्शन मार्केट इन टू द फाइनेंशियल ईयर FY25। तो अब क्वेश्चन ये बनता है कि ये जो असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या होती हैं, तो इसको इस चार्ट से जल्दी से समझ लेते हैं। मैं एक बोरोबर हूँ, ठीक है, मैंने बैंक से लोन लेकर रखा हुआ है 10 लाख रुपए का, ठीक है, बदले में मुझे कुछ सिक्योरिटी या कोलेटरल तो रखना पड़ेगा। तो मैंने अपना ज़मीन रख दिया है, अपना लैंड रख दिया है गिरवी, या फिर अपने लैंड को एज अ कोलेटरल रखा है बैंक के पास। अब बैंक का पेमेंट तो मुझे करना पड़ेगा, मैं बैंक का पेमेंट कर ही नहीं रही हूँ, NPA पे NPA हो रहा है, डिफॉल्ट हो गया है, अब बैंक मुझसे पैसा कैसे ले? तो बैंक क्या करेगा, मेरा जो असेट है या सिक्योरिटी है उसको वो बेच देगा और वहाँ से पैसा ले लेगा। अब बैंक के पास इतना टाइम नहीं है कि उसके लिए वो बेचने जाए, तो वो किसके पास जाएगा, वो जाएगा असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी के पास और उनसे कहेगा कि मेरे पास ये सिक्योरिटी है, इतने ज़मीन है, इतने घर हैं, ठीक है, तुम इन सबको ले लो और बदले में मुझे कैश दे दो। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहेगा ठीक है, ये सारे असेट्स हमको दे दो, हम बेच लेंगे, बदले में आप ये कैश रख लो, ठीक है। इस तरीके से बैंक के पास कैश पहुंच गया। अभी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्या करती है, ये जो लैंड्स हैं, ज़मीन है, जो भी कोलेट्रल है उसका ऑक्शन करती हैं और पब्लिक
पब्लिक जो है इसको खरीदती है, ठीक है, और जब खरीदेगी तो बदले में आपको कैश मिल जाएगा और सिक्योरिटी पहुंच जाएगी जो भी बायर होगा। इस तरीके से असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी काम करती है। तो इसके बिजनेस के लिए अप्रूवल दे दिया गया है श्रीराम ग्रुप को बाय द RBI। डन। चलिए अब लास्ट में बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सभी लोग ट्राई करेंगे आंसर करने की, ठीक है, कुछ भी नया नहीं है, सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। रिसेंटली विच यूनियन मिनिस्टर रिसीव द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डायबिटोलॉजी। आंसर क्या हो जाएगा, हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी को ये अवार्ड मिला है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट है, वन डे वन सब्सक्रिप्शन इनिशिएटिव किसने रिसेंटली लॉन्च किया है। तो वन डे, DAE का मतलब मैंने आपको सिखाया था, डिपार्टमेंट ऑफ एटोमिक एनर्जी ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव किस मिनिस्ट्री का प्रोग्राम है, तो आइडिया फॉर लाइफ इनिशिएटिव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन सी। फिर हमने 31 जुलाई को वर्ल्ड रेंजर डे सेलिब्रेट किया था, ठीक है, पूछा जा रहा है कि वर्ल्ड रेंजर डे की थीम क्या थी, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड रेंजर डे 2024। सो आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, 30 बाय 30 आपको थीम देखने को मिलेगी। 30 बाय 30 का ये मतलब है यहाँ पर एटलीस्ट 30% ऑफ द प्लैनेट इज इफेक्टिवली कंजर्व एंड मैनेज बाय द 2030। 30% एरिया को प्रॉपरली मैनेज और कंजर्व करना है बाय द 2030। ये 30 बाय 30 आपको थीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं, रिसेंटली 54th इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड ईरान में हुआ था, 5 इंडियन ने पार्टिसिपेट किया था, हमको 2 गोल्ड मेडल भी मिल गए, 3 सिल्वर मेडल भी मिल गए, ठीक है, लेकिन पूछा जा रहा है कि मेडल टैली में हम कौन सी पोजीशन पे हैं, 2nd, 3rd, 4th या 5th। तो हमने देखा था कि 54th नंबर के इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में हम यहाँ पर 4th पोजिशन पे हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, वो कौन सा फाइनेंशियल रेगुलेटर है जिसने सेवा चैटबॉट लॉन्च किया है। तो सेवा चैटबॉट को किसने लॉन्च किया है, अभी हमने देखा था कि इसे सेबी ने, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, इन जुलाई 2024 विच कंपनी हैज रिसीव इन प्रिंसिपल अप्रूवल फॉर इट्स असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी फ्रॉम द RBI। तो किसको मिल गया है, श्रीराम कैपिटल को मिल गया है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन को मैंने करंट अफेयर्स में डिस्कस नहीं किया था तो इसलिए इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। द इंडियन टीम हैज़ वॉन ब्लैंक गोल्ड मेडल, ब्लैंक सिल्वर मेडल एंड ब्लैंक ब्रोंज मेडल इन द 56th इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड। जैसे कि फिजिक्स ओलंपियाड देखा ना ईरान में हुआ, वैसे ही आपका 56th नंबर का केमिस्ट्री ओलंपियाड कहाँ पर हुआ, सऊदी अरेबिया में हुआ। सऊदी अरेबिया में इंडियन टीम को 1 गोल्ड मेडल मिला है, 2 सिल्वर मेडल मिले हैं और 1 ब्रोंज मेडल मिला है, मतलब टोटल 4 मेडल हमको यहाँ पर मिले हैं। नेक्स्ट है, मसूद पेजस्कियान रिसेंटली किस कंट्री के प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए हैं। तो किस कंट्री के प्रेसिडेंट की तरह शपथ ली है इन्होंने, आंसर हो जाएगा ईरान, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। ईरान, जिसकी कैपिटल तेहरान है और यहाँ पे करेंसी रियाल देखने को मिलती है। अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, रिसेंटली जो भी नए प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए हैं, अपॉइंट हुए हैं, उनकी लिस्ट है, आप इनको पढ़ सकते हैं। जैसे कि रिसेंटली मैंने डिस्कस किया है कि प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला कौन बने हैं, निकोलस मदुरो बने हैं, वो भी 3rd बार, ठीक है, ये बात हमने डिस्कस की थी। इसके अलावा आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है हमास के लीडर, हमास के चीफ जिनका नाम था इस्माइल हनियान, किल्ड इन द ईरान और इसराइल, यहाँ पे सस्पेक्टेड है कि इसराइल ने इनको मारा है, तो ये हमास के चीफ थे और इनकी डेथ हो गई है, ठीक। नेक्स्ट है, चेयरमैन ऑफ द UPSC कौन बन गई है, आंसर हो जाएगा प्रीति सूदन बन गई है, ऑप्शन डी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री विल होस्ट द एशिया कप 2027। ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसके अलावा 2 और क्वेश्चन मैं यहाँ पे पूछ लेती हूँ क्योंकि मैंने काफी बार डिस्कस किया है। पहला क्वेश्चन ये है कि 2030 के विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स कहाँ होंगे, 2034 के विंटर ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स कहां पर होंगे, एंड आपकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 में कौन सा देश होस्ट करने वाला है। तो ये सभी आपके अपकमिंग इवेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। इन सभी प्रश्नों के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर सकते हैं और सही आंसर भी रिप्लाई में वहीं पर कर दूंगी। आई होप आपको सारा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड पहली बार आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। एंड स्टिल कोई डाउट है तो टेलीग्राम है, वहाँ से आप पूछ सकते हैं। और जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे
तो वहाँ पे मेरा व्हाट्सअप नंबर है ओनली फॉर मैसेज, तो आप व्हाट्सअप पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं अगर कोई डाउट होता है एग्जाम एंड करेंट अफेयर्स से रिलेटेड. ओके, सो थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय.